हेलो गाइस, आपने पाव भाजी तो सुना होगा, ब्रेड भाजी नहीं सुना होगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड भाजी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ग्रीन वेजिटेबल ले लेनी है। इसमें हमने मटर, एक गोभी का फूल और चार बड़े आलू लिए हैं और एक चम्मच नमक और हल्दी और दो गिलास पानी डालकर कुकर में हमने 5-6 विसल इसको दिलवानी है। उसके बाद हमने गैस को ऑफ कर देना है और उसके साथ हम बनाएंगे ग्रीन लहसुन और सूखी लाल मिर्चों को भिगोकर उसकी चटनी बनाएंगे। चलिए, इसके लिए हमने ये लाल मिर्ची भिगो दी है, लहसुन की 3 बड़ी गंडियाँ छील ली हैं, 4 बड़े प्याज काट लिए हैं, बटर, पाव भाजी मसाला और 3 बड़े टमाटर, तेल और 3 शिमला मिर्ची काट ली है। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। चलिए, इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डालते हैं और 2 बड़े चम्मच हम इसमें बटर डालते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज डालेंगे भूनने के लिए। प्याज हमने डाल दिए हैं और इनको थोड़ी देर भूनना है ब्राउन होने तक। जब तक प्याज भूनेंगे तब तक हम मिक्सी के जार में लाल सूखी मिर्ची भिगोई हुई और लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर उसको बारीक पीस लेंगे। अब इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच धनिया मसाला डाला है। इसमें आपने ध्यान ये देना है कि इसमें आपने देगी लाल मिर्च यूज़ करनी है, नहीं तो आपकी ब्रेड भाजी बहुत तीखी हो जाएगी। अब इसमें हमने कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्ची डाल देनी है और इसको 10 मिनट तक और भूनना है। अगर आप इसमें देगी मिर्च नहीं यूज़ करते हो तो फिर आपने सिर्फ लहसुन को ही पीसना है, सूखी लाल मिर्च को नहीं पीसना, नहीं तो आपकी ब्रेड भाजी बहुत तीखी हो जाएगी। जब तक ये भून रहा है कुकर खोलकर आप सब्जियों को आलू मैशर से मैच कर लें। अब इसमें हमने जो चटनी बनाई थी उसके 4 बड़े चम्मच हमने डालने हैं। चलिए, आपका मसाला भून चुका है। अब हम इसमें 4 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसमें हमने कुछ भी अनहेल्दी नहीं लिया है। फ्रेंड्स, जो हम पाव खाते हैं वो मैदे के बने होते हैं तो वो थोड़े से अनहेल्दी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए आटे वाली ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। और अब इसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। इसको 10 मिनट हम मैश करते रहेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। दस मिनट तक अच्छी तरह इसको मैश करते हुए पकाना है। अब हम इसमें 1 चम्मच सूखी मेथी डाल रहे हैं। आपकी भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मक्खन। चलिए, अब हमने नॉनस्टिक बड़ा तवा ले लिया है, उसमें 1 चम्मच मक्खन डालेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन वाली चटनी। ये चटनी हम मोमोज के साथ भी खा सकते हैं और नूडल के तड़के में भी डाल सकते हैं। ये चटनी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है, तो आप इसको फ्रिज में सर्व करके भी रख सकते हैं। बस इसको आप थोड़ा सा मक्खन के साथ चटनी को फ्राई करके इसको शीशे में डालकर स्टोर करके फ्रीज में 10 दिन के लिए रख सकते हैं। ब्रेड को अच्छी तरह लाल होने तक सेकना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप पाव भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाना चाहते हैं, बट मुझे तो ये ब्रेड भाजी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसका टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
चलिए आपकी ब्रेड भाजी सर्व करने के लिए रेडी है। देखने में बहुत डिलीशियस लग रही है और टेस्टी भी है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।